हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम गुरु। सिविल एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत आज आप लोगों के लिए सॉइल मैकेनिक सब्जेक्ट का चैप्टर 3 डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके अंदर टॉपिक्स जो हैं वो अर्थ प्रेशर थ्योरी, स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ स्लोप, सॉइल स्टेबिलाइजेशन एंड एक्सप्लोरेशन, ये 3 चैप्टर्स के टॉपिक्स जो हैं अलग अलग टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो एसएससी जेई एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। कौन से क्वेश्चन है? एसएससी जेई एग्ज़ाम के, जो दोस्तों लॉकडाउन की वजह से एसएससी जेई एग्ज़ाम का डेट भी पोस्टपोन कर दिया गया है। अब नया डेट आने तक आप जो है खूब अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हो। तो इसके लिए जो है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मेडीजी सॉल्यूशन, मेडीजी या फिर प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को एक बार लगाने पड़ेंगे। कम से कम आपको कोई भी, यदि आप जो कोई भी बुक यूज़ कर रहे हो उसको कम से कम 2 से 3 बार रेफ़र कीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए और फॉर्मूले को रिवाइज़ करते रहिए। जो भी शॉर्ट नोट आपने बनाया है उस शॉर्ट नोट को आप 1 से 2 बार कम से कम रिवाइज़ कीजिए, जिससे आप लोगों को आप गो थ्रू होते रहो उस टॉपिक से, वो टॉपिक आपको पता चलते रहे और उसके फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होते रहें। और फॉर्मूले का आप लिस्ट आउट बना के आप अपना खुद का शॉर्ट नोट भी बना सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो, देखते हैं हम लोग अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या बोलता है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कोफिशियंट ऑफ एक्टिव प्रेशर अर्थ प्रेशर फॉर ए कोहेजनलेस सॉइल इज़ गिवेन बाई। कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर कोहेजनलेस सॉइल इज़ गिवेन। फर्स्ट इज एक्टिव अर्थ प्रेशर कोहेजनलेस सॉइल के लिए एक्टिव अर्थ प्रेशर है वो कैसे? तो 2 प्रकार का प्रेशर होता है, 3 टाइप अर्थ प्रेशर होता है। एक होता है एक्टिव अर्थ प्रेशर, दूसरा होता है पैसिव अर्थ प्रेशर और तीसरा होता है अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट कंडीशन। तो 3 प्रकार के कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है उसका कोफिशियंट जो है वो उसका कौन सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर जो है वो 1 - sin φ / 1 + sin φ, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। एक्टिव में ऊपर माइनस रहेगा। पैसिव अर्थ प्रेशर यदि आपको डिस्कशन करना हो तो पैसिव अर्थ प्रेशर में ऊपर प्लस रहेगा, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। और अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट जो है वो उसके लिए एक डिफरेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज द इक्वेशन S इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई इज गिवन बाई। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये क्वेश्चन जो है वो इक्वेशन जो है वो कूलम्स लॉ के द्वारा दिया गया है। S जो है इसके अंदर क्या है? S जो है वो शियर स्ट्रेस है, C जो है वो कोहेजन है, सिग्मा जो है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस है और टेन फाई जो है वो क्या है? तो रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 5 सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में। अनडिस्टर्ब सैंपल आर ऑब्टेन बाई, जो अनडिस्टर्ब सैंपल होते हैं उसको हम लोग किस प्रकार के मेथड से निकालते हैं? तो थिन वॉल सैंपलर यूज़ होता है फ्रेंड्स। अनडिस्टर्ब सैंपल को निकालने के लिए थिन वॉल सैंपलर यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट इज गिवन बाई। अभी कुछ देर पहले मैं आपको बता रहा था कि कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट का क्या फॉर्मूला है। तो यहीं पे आपको एक क्वेश्चन मिल गया है, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। तो कोफिशियंट ऑफ अर्थ प्रेशर एट द रेस्ट इज μ/1 - μ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर फॉर ए लूज सैंड हैविंग अ एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 5 इज। कोफिशियंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर, वापस से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड, 1 - sin φ / 1 + sin φ। क्वेश्चन नंबर 6, ए रिटेनिंग वॉल ऑफ ए ट्रेपेजॉइडल सेक्शन हैविंग बेस विड्थ बी रिटेन अर्थ एट इट्स बैक फॉर नो टेंशन टू बी डेवलप एट द बेस। द रिजल्टेंट फोर्स विल इंटरसेक्ट द बेस फ्रॉम सेंटर लाइन ऑफ द बेस विद इन। तो वो किसने के अंदर होना चाहिए? तो आंसर इज B/6। नेक्स्ट, रैंकाइन थ्योरी ऑफ ए एक्टिव अर्थ प्रेशर इज बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए जो रैंकाइन ने अपनी थ्योरी दी थी उसका क्या एजम्पशन था? तो रैंकाइन थ्योरी का जो एजम्पशन है दोस्तों वो है
ऑल, यहाँ पे जो सभी एजम्पशन दिए गए, जैसे कि पहला क्वेश्चन एजम्पशन पढ़ते हैं, रिटेन मटेरियल इज़ होमोजीनियस एंड कोहेजन लेस, जो मटेरियल है वो मटेरियल कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और कोहेजन लेस होना चाहिए। फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन रिटेनिंग वॉल एंड द रिटेन मटेरियल इज़ निगलेक्टेड, फेलियर ऑफ द रिटेन मटेरियल टेक प्लेस अलॉन्ग ए प्लेन कॉल्ड एज ए रप्चर प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से फटाफट डिस्कशन करते हैं अपने क्वेश्चंस को। द कोफिशियंट ऑफ पैसिव अर्थ प्रेशर फॉर ए कोहेजन लेस ग्रेनुलर सॉइल इज गिवन बाई, तो मैंने अभी आपको बताया था कि पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए क्या होगा, तो पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए ऊपर क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, प्लस से पैसिव, पैसिव से प्लस, ऐसा याद रख लीजिए। तो 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अजम्पशन मेड अबाउट बैक ऑफ द वॉल इन द रैंकाइन थ्योरी ऑफ ए अर्थ प्रेशर, रैंकाइंस ने जो अपना थ्योरी दिया था तो बैक ऑफ वॉल के लिए क्या एजम्पशन दिया था, तो उसने बताया था कि वॉल जो है वो कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए और स्मूथ होना चाहिए। टू हैव प्रेशर होली कंप्रेसिव अंडर द बेस ऑफ रिटेनिंग वॉल ऑफ विथ बी, द रिजल्टेंट ऑफ द वेट ऑफ वॉल एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाई रिटेन अर्थ शुड हैव इसेंट्रिसिटी नॉट मोर देन, इसेंट्रिसिटी किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सेम क्वेश्चन अभी रिपीट कर गया दोस्तों, इसेंट्रिसिटी जो है वो बी बाई सिक्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वॉट इज अ वैल्यू ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर कोफिशियंट फॉर ए सॉइल हैविंग इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज 30 डिग्री, यदि किसी सॉइल का इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन 30 डिग्री है तो उसका एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना होगा, तो एक्टिव अर्थ प्रेशर के फॉर्मूला है 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई कर दीजिए, और यहाँ पे साइन फाई फाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसमें पुट कर दीजिए तो 1/2 अपॉन 1 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा 1/3, क्या मिलेगा आंसर 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, इफ़ डब्ल्यू इज़ अ वेट ऑफ रिटेनिंग वॉल एंड पी इज़ अ हॉरिजेंटल अर्थ प्रेशर, द फैक्टर ऑफ द सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग इज, स्लाइडिंग के अगेंस्ट जो है कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन फॉर द पैसिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए कौन सा एजम्पशन जो है, कौन सा इक्वेशन जो है वो करेक्ट है, पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए ये इक्वेशन 10² 45 डिग्री प्लस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ए सॉइल इज 30 डिग्री, वाट इज द एक्टिव प्रेशर ऑफ कोफिशियंट ऑफ ए सॉइल, सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हुआ है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.333, 1/3 आएगा या 0.333 बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिपोज ऑफ ए सॉइल इज मैक्सिमम एंगल विच द आउटर फेस ऑफ द सॉइल मेक विथ हॉरिजेंटल विथ वर्टिकल विथ द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द सॉइल नन ऑफ द अबो, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, आंसर इज ए विथ द हॉरिजेंटल, कितना हो जाएगा हॉरिजेंटल के साथ बनेगा। फॉर द बल्क हेड विच ऑफ द फॉलोइंग अर्थ प्रेशर थ्योरी इज अप्लाइड डायरेक्टली, बल्क हेड्स के लिए कौन सा थ्योरी जो है वो डायरेक्टली अप्लाइड होता है, तो इसमें से कोई भी थ्योरी जो है वो बल्क हेड के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो आंसर डी हो जाएगा नन ऑफ द अबो। द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द दिस चैप्टर, द टोटल प्रेशर ऑन द वर्टिकल फोर्स ऑफ ए रिटेनिंग वॉल ऑफ ए हाइट एच एक्ट पैरेलल टू द फ्री सरफेस एंड फ्रॉम द बेस द डिस्टेंस इज, कितना होगा डिस्टेंस दोस्तों एच अपॉन 3 के जितना लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में अपने 17 क्वेश्चन डिस्कशन किए हुए हैं सॉइल मैकेनिक्स के, मैंने इसके आगे 7 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव पार्ट का, एसएससी जेई एग्ज़ाम के रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो यदि आपकी इच्छा हो तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें से जाके आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ वीडियो को सर्च करके भी देख सकते हैं। दोस्तों चैनल का नाम है सिविल एग्ज़ाम गुरु, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, यदि कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई दिस लेक्चर। ओके।